नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी पर। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। अगले आधे घंटे में होंगे देश दुनिया के तमाम अहम समाचार, राज्यवार खबरों और मौसम के हाल पर भी डालेंगे नजर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। गुजरात, तेलंगाना और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में भारी बारिश। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने बाढ़ पीड़ित इलाकों का किया हवाई दौरा। मुंबई में हाई टाइड का अलर्ट। देवघर में 16,800 करोड़ की परियोजनाओं का प्रधानमंत्री ने किया लोकार्पण। कहा, झारखंड की नई परियोजनाओं से पूर्वी भारत का होगा विकास। नए एयरपोर्ट से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। लोकतंत्र के सामने आ रही हर चुनौती का मिलकर करेंगे सामना। बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में बोले प्रधानमंत्री, देश हित में पक्ष विपक्ष के भेद से ऊपर उठकर काम करने का आह्वान। विनिर्माण, बिजली और खनन क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन। मई में 19.6% बढ़ा प्रोडक्शन। खनन उत्पादन 10.9% और बिजली उत्पादन में 23.5% का इजाफा। और श्रीलंका के प्रधानमंत्री के आवास के अंदर झड़प, 10 घायल राजपक्षे बंधुओं पर यात्रा प्रतिबंध लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका। पूर्व वित्त मंत्री बेसिल राजपक्षे के देश छोड़ने पर रोक। और हेडलाइंस के बाद अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने 17 जुलाई को सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मॉनसून सत्र 18 जुलाई को शुरू होकर 12 अगस्त तक चलना तय है। इसमें कुल 26 दिनों की अवधि में 18 बैठकें होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा की। उन्होंने 12 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया। बाद में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने लोक लुभावने कदमों पर आधारित शॉर्टकट राजनीति को लेकर लोगों को आगाह किया। जनता जनार्दन का एक पैसा भी बर्बाद न हो जाए, पैसों का समय पर उपयोग हो और पैसों का जो उपयोग हो वो जनता जनार्दन के लिए काम आए, इस संकल्प को लेकर के हम चलते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने झारखंड के लिए 14 नए हवाई मार्गों, 3 और हवाई अड्डों की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि रांची और देवघर के बाद बोकारो, जमशेदपुर और दुमका में हवाई अड्डे स्थापित किए जाएंगे। दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत भारत जल्द ही 200 करोड़ टीके लगाने वाला देश हो जाएगा। देश में अब तक 199 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। बादल फटने के 4 दिन के बाद गांदलबल जिले में बालटाल मार्ग पर निलंबित की गई अमरनाथ यात्रा फिर से बहाल हो गई है। तीर्थयात्रियों को एक नया जत्था बालटाल आधार शिविर से तड़के गुफा मंदिर के लिए रवाना हुआ। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने बच्चों की सुरक्षा के लिए भारत में कानूनी और प्रशासनिक ढांचा बनाए जाने और कई राज्यों में बाल सुरक्षा सेवाओं की पहुंच में सुधार का स्वागत किया है। जापानियों ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को अंतिम विदाई दी। उनका आज एक मंदिर में परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार कर दिया गया। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से पहली पूर्ण रंगीन छवि ब्रह्मांड के अब तक के सबसे गहरे दृश्य को प्रकट करती है। ये हमारे अदृश्य आकाश गंगाओं को भी दिखाती है। पाकिस्तान में मूसलाधार वर्षा और बादल फटने की घटना में कराची शहर और पड़ोसी बलूचिस्तान प्रांत में 68 लोगों की मौत हो गई। और अब खबरें विस्तार से, और सबसे पहले खबर गुजरात में आई बाढ़ की। जो घर का सामान था सब नुकसान हो गया है। पब्लिक लोग उसको सबको निकाल के सही जगह भेज दिया है। अभी ये पानी रुक जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए, नहीं तो लोगों को बहुत परेशानी है। बाढ़ के कहर की तस्वीरें आपने देखी। गुजरात में पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से आफत मची है। यहां कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। वहीं अहमदाबाद सहित कई शहर जलमग्न भी हो गए हैं।
गुजरात के मध्य और दक्षिणी जिलों में भारी बारिश हुई है। इसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। दक्षिणी गुजरात के डांग, नवसारी, तापी और वलसाड़ जिले भारी बारिश से प्रभावित हैं, जबकि मध्य गुजरात के पंचमहल, छोटा उदयपुर और खेड़ा जिलों में भारी बारिश हुई है, जिससे बाढ़ आ गई है। यहां लोगों के घरों में पानी घुस आया है, जिसके बाद लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर की मदद से बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर हैं, जिससे कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक यहां अब तक बाढ़ और भूस्खलन से 61 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मौसम विभाग ने यहां 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी रखा है। राजकोट की बात करें तो भादर, फोफल, अजी और न्यारी 4 डैम फुल हो गया है और शटर्स भी ओपन करके हमने ओवरफ्लो एरियाज में भी चालू कर दिया। हर एक जगह पे शटर खोलने से 5 घंटे पहले से हमारी टीम्स, तलाटीज की टीम, सरपंचों की टीम जाके उनकी अनाउंसमेंट भी करती है, साथ में पुलिस पेट्रोलिंग की गाड़ी भी रखी है। अहमदाबाद समेत कई बड़े शहरों में भी भारी बारिश से जल जमाव हो गया है। कई इलाकों में पानी भरने से लोगों के जनजीवन पर असर पड़ा है। यहाँ कई इमारतें पानी में डूब गई हैं। बाढ़ के अलावा भूस्खलन ने लोगों की जान को आफत में डाल दिया है। प्रदेश के डांग में सापुतारा वागई रोड पर कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है, जिससे यातायात बाधित हो गया है। प्रदेश के कई इलाकों के डूब जाने से रेल सेवाएं भी बाधित हुई हैं। पटरियों के डूब जाने की वजह से कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और कुछ को आंशिक रूप से रद्द कर दिया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बोडेली के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं वडोदरा गुजरात के 6 BN NDRF के कमांडेंट VVN प्रसन्ना कुमार। प्रसन्ना, आपसे जानना चाहूंगी इस वक्त ताजा हालात क्या है वहां के और जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है उस पर कुछ प्रकाश डालें। ये जो 4 दिन से जो गुजरात में जो भारी बारिश की वजह से जो स्थिति पैदा हुआ है उसको निपटाने के लिए हमारा 19 टीम्स जो है डिप्लॉय हो चुका है। ये अपना गुजरात स्टेट गवर्नमेंट का प्रिडिक्शंस, IMD प्रिडिक्शंस को लेकर के ये पहले से ही हम लोगों को तैनात किया गया है। तो अभी स्थिति अंडर कंट्रोल में है और हमारा साथ जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जुड़ा हुआ है। काफी लोगों को पहले अपना जो बाढ़ का प्रभावित एरिया से वो रेस्क्यू किया गया है, एवैक्यूएशन किया गया है। इसकी वजह से जो है काफी जो है जनता का जो नुकसान है वो कम कर दिया है। जी, तस्वीरें तो हमने देखी हैं प्रसन्ना कुमार जी, लेकिन अगर हम इलाकों की बात करें जो ज्यादा प्रभावित हैं, तो वो कौन कौन से इलाके हैं जिन पर बाढ़ का जो असर है वो ज्यादा दिखाई दे रहा है? एक तो वलसाड डिस्ट्रिक्ट है और दूसरा जो है नर्मदा डिस्ट्रिक्ट है। तो इसके अंदर जो है बाढ़ का स्थिति थोड़ा सभी डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा है, उसके बाद नौसारा डिस्ट्रिक्ट में, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट में अभी ज्यादा बना हुआ है। जी, किसी तरह के किसी कोई कैजुअलिटी आई है या किसी कैजुअलिटी की खबर है? अभी एक्चुअली कल अर्ली मॉर्निंग जो है एक कार जो है वॉश अवे हुआ था, एक चट्टा क्रॉस करते समय उसमें एक रेस्क्यू किया गया है, बाकी 3 जो लोग उनके उसका ना पता है। इसके अलावा कोई कैजुअलिटी सभी का कोई खबर नहीं है। जी, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के कई जिलों में भी भारी बारिश से स्थिति काफी बिगड़ गई है। यहां 1 जून से अब तक 83 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। भारी बारिश की वजह से कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। गढ़चिरौली, नंदूरबार और मुंबई के उपनगरीय इलाकों में कई गाँव बाढ़ से प्रभावित हैं। रत्नागिरी जिले में चिपलून शहर में बाढ़ के बाद यातायात को बंद कर दिया गया है। हालात को देखते हुए NDRF की 13 और SDRF की 3 टीमों को संकटग्रस्त जिलों में तैनात किया गया है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए 14 जुलाई तक रेड अलर्ट जारी रखा है। मुंबई और उसके आसपास उपनगरों में तेज हवाओं के साथ भीषण बारिश हुई है, जिसके बाद महानगर में जगह जगह जल जमाव की वजह से यातायात प्रभावित हुआ है।
मौसम विभाग ने यहां अगले दो दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश की वजह से लोकल ट्रेन सेवाओं पर असर पड़ा है। कुछ जगहों पर जलजमाव की वजह से यातायात पर असर पड़ा है। वहीं मुंबई में समुद्र की लहरें तेज हो गई हैं। यहां आज रात हाई टाइड आने की संभावना है, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुंबई पुलिस की कई टीमें भी तैनात की गई हैं, जो लगातार लाइफ गार्ड के संपर्क में हैं। बात करें पुणे की, तो पुणे के खड़कवासला डैम में लगातार हो रही बारिश से जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है, जिसके बाद डैम के गेट खोल दिए गए हैं। इसके कई निचले इलाके भी डूब गए हैं। तेलंगाना के निजामाबाद में भारी बारिश के बाद जलाशयों में पानी भरता ही जा रहा है। इसका असर श्रीराम सागर प्रोजेक्ट डैम पर दिखा। जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। फौरन डैम के गेट खोलने का फैसला किया गया है। अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और डैम के 9 गेट खोल दिए गए हैं। इधर आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी में पानी का स्तर बढ़कर 12.10 लाख क्यूसेक पर पहुंचने के बाद बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। राजा महेंद्रवरम के पास डोवेलासिल्लम में बैराज के पहली चेतावनी को जारी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में लोकतंत्र की अवधारणा उतनी ही प्राचीन है जितना ये राष्ट्र और संस्कृति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के सांसद राज्य के विधायक के रूप में सभी की जिम्मेदारी है कि वो लोकतंत्र के सामने आ रही हर चुनौती को मिलकर हराएं। पक्ष विपक्ष के भेद से ऊपर उठकर देश के लिए, देश हित के लिए हमारी आवाज एकजुट होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया के लिए 21वीं सदी भारत की सदी है। हमें अगले 25 सालों में नए भारत के स्वर्णिम लक्ष्य तक पहुंचना है। हमारा कर्तव्य, हमारी निष्ठा हमारे अधिकारों की गारंटी है। हम लोकतंत्र के सामने आ रही हर चुनौती को मिलकर हराएं। पक्ष विपक्ष के भेद से ऊपर उठकर देश के लिए, देश हित के लिए हमारी आवाज एकजुट होनी चाहिए। जनता से जुड़े विषयों पर सदन सकारात्मक संवाद का केंद्र बने। सकारात्मक कार्यों के लिए हमारी आवाज उतनी ही बुलंद दिखे, इस दिशा में भी हमें निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राज्यों के विकास से राष्ट्र का विकास संभव है। उनकी सरकार पिछले 8 सालों में इसी सोच के साथ काम कर रही है। वो आज झारखंड के देवघर में हवाई अड्डे समेत अन्य विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि झारखंड की नई परियोजनाओं से पूर्वी भारत का विकास होगा। उन्होंने देवघर में 16,800 करोड़ लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इन प्रोजेक्ट से झारखंड की आधुनिक कनेक्टिविटी, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आस्था और पर्यटन को बहुत अधिक बल मिलेगा। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि आज सरकार के प्रयासों का लाभ पूरे देश में दिख रहा है। उड़ान परियोजना के तहत पिछले 5-6 सालों में लगभग 70 नए स्थानों को एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स और वाटर एरोडोम्स के माध्यम से जोड़ा गया है। इन प्रोजेक्ट से झारखंड के लाखों लोगों का जीवन तो आसान होगा ही, व्यापार कारोबार के लिए, टूरिज्म के लिए, रोजगार स्वरोजगार के लिए भी अनेक नए अवसर बनेंगे। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सतत खनन समय की मांग है। दिल्ली में खान और खनिजों पर 6वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में खनिज खनन क्षेत्र विकास अपने चरम पर पहुंच गया है, नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि विभिन्न हितधारकों से सुझाव मिलने के बाद सरकार ने खनन नीतियों में कई बदलाव किए हैं। उन्होंने खनन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर भी जोर दिया है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी संबोधित किया। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। 2022 में 8.2% की दर के साथ हम दुनिया में सबसे स्पीड से ग्रोथ करने वाले देश बनकर। शिवसेना ने एनडीए की ओर से राष्ट्रपति की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया है। कि सारे लोग अगर प्यार से मुझे कुछ कह रहे हैं
तो उनकी भावनाओं का आदर करना चाहिए और उस भावना का आदर करते हुए आज मैं जाहिर करता हूं कि आने वाले इस राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष चुनाव के लिए शिवसेना द्रौपदी जी को हमारा अपना समर्थन दे रही है। और फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देश के तमाम राज्यों से जुड़े महत्वपूर्ण समाचार और अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर भी डालेंगे नजर। आप बने रहिए हमारे साथ। How do you think the business model? Our limited water resources have to be optimized to such a level that each user, they should get their equitable share. Not equal, but equitable share. We've been working in various domains. For example, on the consumer front for water management of a household. On the institutional front, we are now working with various industries in automating the sewage treatment plant. Let's hear the story of water management startup Agua Wireless Systems and the founders Rohit and Kanish. शिक्षा किसी भी राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विश्वविद्यालयों की जो साख है, विश्वसनीयता है, क्रेडिबिलिटी है, वो बहुत अधिक मात्रा में उनकी परीक्षा प्रणाली पर निर्भर होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने हमें एक मार्ग दिया है, उसके लिए मार्ग भी दिया है, दर्शन भी दिया है, प्रक्रिया भी दी है। What is India's perspective on global issues? How is India navigating its bilateral and multilateral relations? How do we decode foreign policy? And what is the impact India is having on the world? For an in-depth analysis of international affairs, watch Diplomatic Dispatch with me, Vikas Swaroop, only on Sunset TV. The glorious journey of India's 75 years of independence, protection of rights, ensuring equality, to empower, to deliver justice. Laws that have defined India and its people. Laws that everyone should know. Watch 75 years. Laws that shaped India. With me, Hemant Batra, only on Sunset TV. ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू अपने पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने बीजेपी सांसदों और विधायकों से मुलाकात कर उनका समर्थन मांगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने सिरोही जिले के माउंट आबू में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्ववर्ती सरकारों पर उत्तर प्रदेश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबुलरी में भारतीय आरक्षकों के दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि पीएसी बल को समाप्त करने के लिए 54 कंपनियां समाप्त कर दी गई हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिकावरी में 8 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने हमेशा विकास को तरजीह दी है। गोवा में कांग्रेस के कुल 11 विधायकों में से 10 ने वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक की अध्यक्षता में बैठक में हिस्सा लिया। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के दौरे पर हैं। हरिद्वार में उन्होंने काली मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही उन्होंने राज राजेश्वर आश्रम के महाराज से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों ने एक संदिग्ध आईईडी को निष्क्रिय कर दिया है। सुरक्षा बलों को चौधरी बाग में एक सड़क के किनारे पर एक गैस सिलेंडर के कुछ पटाखों के साथ संदिग्ध आईईडी लगा होने की सूचना मिली थी। केरल में कन्नूर जिले के पयानूर जिले में आरएसएस के एक कार्यालय पर देर रात बम फेंके गए। पुलिस हमलावरों को पता लगने के लिए क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड के 3 आरोपियों को कोर्ट ने 16 जुलाई तक पुलिस अभिरक्षा में भेज दिया है। वहीं 4 अन्य आरोपियों को 1 अगस्त तक न्यायिक हिरासत जेल में भेज दिया गया है। 54 साल की बुजुर्ग महिला एथलीट भगवानी देवी डागर ने फिनलैंड के टेम्पेर में
आयोजित वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3 पदक अपने नाम किए हैं। उन्होंने दौड़ में स्वर्ण पदक और शॉर्ट फुट में कांस्य पदक जीता है। जाने माने समाजसेवी और पद्मश्री से सम्मानित अवधेश कौशल का देहरादून के निजी अस्पताल में निधन हो गया। वो 87 वर्ष के थे। और अब कुछ और अहम खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जुलाई को I2U2 समारोह की डिजिटल माध्यम से आयोजित होने वाली पहली बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में प्रधानमंत्री के अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, इसराइल के प्रधानमंत्री यायर लापिड, UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहान हिस्सा लेंगे। भारत, इसराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की सदस्यता वाले I2U2 समूह की डिजिटल माध्यम से पहली बैठक 14 जुलाई को होगी। बैठक में समूह के नेता I2U2 ढांचे के तहत संभावित संयुक्त परियोजनाओं, कारोबार और निवेश में आर्थिक गठजोड़ को मजबूत बनाने सहित आपसी हितों से जुड़े अन्य क्षेत्रों में सहयोग को लेकर चर्चा करेंगे। विनिर्माण, बिजली और खनन क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन से देश का औद्योगिक उत्पादन इस साल मई में 19.6% बढ़ा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के जारी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन इस साल मई में 20.6% बढ़ा। खनन उत्पादन 10.9% और बिजली उत्पादन 23.5% बढ़ा। पिछले साल मई में IIP में 27.6% की वृद्धि हुई थी। औद्योगिक उत्पादन पर मार्च 2020 के बाद से महामारी का असर पड़ा है। उस समय इसमें 18.7% की गिरावट आई थी। खाने का सामान सस्ता होने से जून महीने में खुदरा मुद्रास्फीति मामूली रूप से गिरकर 7.01% पर आ गई। जून में खाद्य उत्पादों की मुद्रास्फीति एक महीने पहले के 7.97% की तुलना में घटकर 7.75% रही। इस तरह खाद्य उत्पादों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर पूर्व प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे और राजपक्षे शासन के अन्य प्रभावशाली अधिकारियों को शीर्ष अदालत की पूर्व मंजूरी के बिना देश से बाहर जाने से रोकने के लिए अंतरिम आदेश जारी किए जाने का आग्रह किया गया है। इस बीच श्रीलंका के पूर्व वित्त मंत्री और विवादों में घिरे राष्ट्रपति गोटबाय राजपक्षे के छोटे भाई बेसिल राजपक्षे को कोलंबो हवाई अड्डे पर तब तक रोक लिया जब वे VIP टर्मिनल के जरिए देश छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। संसद के अध्यक्ष महिंद्रा यापा अभ्यवर्धने के सार्वजनिक रूप से राष्ट्रपति गोटबाय राजपक्षे के इस्तीफे देने की संभावित घोषणा करने से एक दिन पहले बेसिल ने देश छोड़ने की कोशिश की। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाय राजपक्षे के इस्तीफा देने की घोषणा के बाद श्रीलंका के राजनीतिक दलों ने सर्वदलीय सरकार बनाने और 20 जुलाई को नए राष्ट्रपति का चुनाव करने की दिशा में कई कदम उठाए ताकि देश को और अराजकता की ओर बढ़ने से रोका जा सके। प्रधानमंत्री विक्रम सिंघे के कार्यालय ने कहा था कि नई सर्वदलीय अंतरिम सरकार बनते ही समूचा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देगा और नई सरकार को अपनी जिम्मेदारी सौंप देगा। वहीं श्रीलंका में आर्थिक संकट और ईंधन की कमी से कोलंबो में साइकिल की बिक्री में इजाफा हुआ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी श्रीलंका संकट पर भारत के रुख पर बात की है। Our commitment, our support is for the Sri Lankan people because they are our neighbors, they are our friendly people. We want to help them to go through a very difficult phase in their lives. Our focus right now is on the Sri Lankan economic situation. How can we help them? We are not involved in the other matters. Ladakh mein in dino Hemis festival manaya ja raha hai. 2 दिवसीय इस महोत्सव को पारंपरिक वेशभूषा और रंगीन मुखौटों के साथ मनाया जाता है। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इसकी ही तस्वीरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।